वेलकम टू द जी की ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2020 का बुकलेट कोड जीवन फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एंट्रेंस फिजिक्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसका एक ही उपाय है भाई कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में समझो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व देम। एक सिंपल सी ट्रिक्स, तो एक से लेकर 10 तक तो हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर करने से हमें एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं जीके क्वेश्चन नंबर 11। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी चैनल को करने सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि डायरेक्टली हेल्पफुल होने वाली है नीट के अंदर। तो टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। देखो फिजिक्स में कभी भी जो गिवन कंडीशन है उसको ड्रॉ करते चलो। तो हम यहाँ चल रहे हैं, देखो दो सिलेंडर्स हैं, ये मान के चल रहे हैं एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं और दोनों जो है कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, अभी दिखेगा क्वेश्चन में तुम लोगों को, ठीक है। आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ स्टॉप कॉक, ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्शन लगा हुआ है कि मैं स्टॉप कॉक लगा हुआ है। ए कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड। तो अब क्या है कि ए तो तुम्हारा है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ये ए है इसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ये बी है ये बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। जब इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है तो इस तरीके से ये बना दीजिए इसके अंदर आइडियल गैस, ठीक है जी, ये आइडियल गैस इसके अंदर भर गई है। अच्छा फिर क्या है, द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ये जो क्वेश्चन है थर्मली इंसुलेटेड यही इस क्वेश्चन का आंसर बताएगी, इस लाइन में ही आंसर छुपा हुआ है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपनड, देखो जब स्टॉप कॉक इसको हम सडनली ओपन कर देंगे तो गैस इसमें से इसमें आ जाएगी फट से। जब गैस इसमें से इसमें आएगी तो ये जो तीनों कंडीशंस है ना, ये आइसोखोरिक आइसोबारिक आइसोथर्मल, ये तीनों हो जाएंगे लैप्स, हमारे पास एक ही सिस्टम रह जाएगा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक ही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये पूरा क्या है क्लोज्ड सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज और मास का एक्सचेंज पूरी तरीके से क्लोज्ड है ये। जब क्लोज्ड है तो कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा है, जब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 112, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टेबिलिटी 599, ठीक है। अब देखो जो भी गिवन कंडीशन है उसको हम लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, 599, ये ससेप्टेबिलिटी का सिंबल है, इसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है 599। तो देखो जो भी वैल्यूज दी हुई है ना उसको लिखते जाओ फिजिक्स में, तभी इस तरीके से ही फिर हमारा मन करेगा करने का, एकदम से क्वेश्चन पढ़ के छोड़ कर समझ में नहीं आ रहा तो उस टाइप से नहीं होगा, जो भी दिया हुआ है लिखते जाओ। अच्छा, सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, तो ये जो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन जो फील्ड दिया हुआ है बी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1200, ठीक है, बी की वैल्यू दी हुई है 1200, ठीक है, ये 1200 तुम्हें दी हुई है। तो जो भी गिवन वैल्यूज हैं उसको हम लिखते चले जाएंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंप्लेक्स तरीके से सॉल्व करेंगे। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, हमसे परमिएबिलिटी निकलवाइए, म्यू जीरो की वैल्यू दी हुई है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा तो अब ये जो गिवन कंडीशंस हैं, अब हमें जो फार्मूला लगाना है तुम लोगों ने पढ़ा होगा म्यू एम, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू जीरो, ठीक है, ये फार्मूला है भाई, 1 ससेप्टेबिलिटी, ये फार्मूला है। अगर तुम लोगों को ये फार्मूला ध्यान था तो बड़े ही डायरेक्टली तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो म्यू जीरो की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 4π, ठीक है, 4π × 10⁻⁷, ठीक है जी, ये वैल्यू दी हुई है। तो सिंप्लेक्स तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, 1 मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी है 599, ठीक है, ये दी हुई है, ये हो जाएगा, ये 1 है भाई, ये हो जाएगा 600, 6×6=2400 हो जाएगा, तो 2400 को 2.4 लिख सकता हूँ × 10⁻³, तो 3 इसमें से हो जाएगा तुम्हारा डिडक्ट, तो π × 10⁴,
ठीक है 10^4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 2.4π × 10^4, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। ये है ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो गया चौथे वाला। तो आप सिंपली ये देखते जाओ कि भाई क्वेश्चन कर कैसे रहे, क्वेश्चन हो कैसे रहे। अगर तुमने फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तब भी मैं गारंटेड से कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी कि फिजिक्स में ऑटोमेटिक पढ़ने का मन कर जाएगा। और अभी तो ये सिंपल MCQs हैं, जब इसमें इसकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन लगेगी तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज। देखो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक छुपी हुई है, अगर आपने E=mc² वाला फॉर्मूला देखा होगा, ये अगले पेज पे आ गए। E=mc² एक फार्मूला होता है, ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। E=mc², आइंस्टाइन हमारे रिनाउंड वैज्ञानिक जिनके बदौलत ये फार्मूला डिस्कवर हुआ। अब जिन बच्चों ने 0.5 को डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दिया तो उनका तो आंसर ये आ गया, क्योंकि लाइट 3×10^8 उसका स्क्वायर 16, तो वो हो गया गलत। यहाँ पे आपको जूल में निकालना है, लेकिन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो डिजाइन किया लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डिजाइन कर दिया है, ईजी बट थोड़ा सा टफ, ईजी बट ट्रिकी नॉट ए टफ। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.5 ग्राम जो दिया हुआ है इसको हम किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये इसमें छोटी सी ट्रिक जरूर थी, जिसने डायरेक्ट 0.5 ग्राम को लिया उसका तो हो गया भाई भट्टा साफ। तो 0.5 उसको तो मिल गया -1, 0.5×10^-3 किलोग्राम। तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, क्योंकि भाई एग्जामिनर जो है बहुत चलाक होता है, सिंपल क्वेश्चन दे देता है लेकिन यूनिट में फंसा देता है। तो अल्टीमेटली उसका एम ये क्वेश्चन को गलत करना, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है, एग्जामिनर होता है बहुत चलाक। अब ये दिया हुआ है तो m की वैल्यू ये पुट कर दो, 0.5 ठीक है जी × 10^-3 ठीक है। c कितनी होती है भाई, 3, ये c की वैल्यू लिख देंगे हम 3×10^8 ठीक है, ये हो गए 8। अच्छा इसका होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो अब देखो इसको 10, ये हो जाएगा 10^16, ये हो जाएगा 9 ठीक है, ये 9 हो गया, ये हो गया 10^16। और मैं कह रहा था ना वहाँ फंसा रखा है एग्जामिनर ने, 16 एक दी हुई है जूल का ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5, जब इसको सॉल्व करोगे ना फाइनली इनटू, ये वैल्यूज यहाँ लिख दो एज इट इज़, तो जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो आ जाएगा इस क्वेश्चन में वो आ जाएगा 4.5 ठीक है जी, 5×45 हो जाएगा उसके हिसाब से 4.5 ठीक है × 10^13, क्योंकि देखो ये 16 है और ये -3, तो 10^ कितना आ जाएगा 13 जूल। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर था, 0.5 ग्राम जिसने डायरेक्ट किया वो तो खा गया चक्कर, और जिसने इसको समझ गया और अच्छे तरीके से कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो थोड़ा सा इसमें जरूर वो है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग जरूर है, क्वेश्चन सिंपल है। तो हमने कर लिया भाई इसके अंदर 3 क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जब कर लोगे एक ही वीडियो में तो दिमाग में बन जाएगी बसड़, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो 3 ही क्वेश्चन करो, मैं तो कहता हूँ फिजिक्स में अगर एक दिन में 3 ही क्वेश्चन कर लिए और उसके साथ साथ उनका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कर ली तो भाई इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है नीट के अंदर, क्योंकि 3 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात है एक दिन में फिजिक्स के। हाँ जो स्टूडेंट रेगुलर करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन 99% होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स जो कि बहुत कम पढ़ते हैं फिजिक्स। 3 क्वेश्चन कर लो और तीनों के जो तुम्हारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लो, देखो कैसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा नीट में, ये मान लो कि क्वालिफाई कराने के लिए इनफ है। इसको वीडियोस को देखो, प्लस आपने जो आपका स्टडी मटेरियल है चाहे वो कोचिंग का है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ सफिशियंट टू क्वालिफाई द नीट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और नीट में क्वालिफाई होने के लिए।